इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा डायरेक्टरी के बारे में कि इसमें क्या क्या डेटा है और एज एन एक्टर वो डेटा हमारे किस काम आ सकता है। लेकिन अभी एक चीज़ ये है कि बहुत डेटा है इसमें, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हज़ारों की तादाद में इसमें नाम और एड्रेस हैं, बहुत कास्टिंग एजेंसीज और कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनमें हर एक किसी को मिलना, हर एक किसी के पास जाके ऑडिशन देना पॉसिबल नहीं। तो इस डेटाबेस को किस तरह से फॉलो किया जाए, किस तरह से उसको यूज किया जाए, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ जो मैंने यूज किया था, उस तरीके से अगर आप इस डेटाबेस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्या करना है कि पहले जो नॉन प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनका नाम आप जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जिनका नाम आपने सुना है या जिनके सीरियल्स या फिल्म्स आपने देखी हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है, उनसे शुरुआत करेंगे। अब आप चाहें तो उनमें फ़ोन करके ऑडिशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली जाके मिल सकते हैं। अभी फ़ोन पे कांटेक्ट कैसे करना है, पर्सनली अप्रोच कैसे करना है, ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता हूँ। अब सपोज आपने लिस्ट बना ली प्रोडक्शन हाउसेस की, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि एक एक प्रोडक्शन हाउसेस में छांटिए। सपोज आपने बालाजी टेलीफिल्म्स का एड्रेस लिया, अब उस एड्रेस के आसपास जितने भी छोटे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो क्या है कि सपोज आप बालाजी टेलीफिल्म्स में आप जाते हैं तो उसके आसपास जितने भी छोटे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं नोन अननोन, तो उस एरिया को आप कवर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एरिया वाइज लिस्ट बनाइए। जैसे कि अंधेरी लोखंडवाला, मैक्सिमम प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पे, अंधेरी लोखंडवाला का एक पर्टिकुलर एरिया आप सेलेक्ट कीजिए, उस एरिया में जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो अपना एक टारगेट रखिए कि नहीं यार मुझे इस एरिया में जाना है, तो उस एरिया में जाके जितने प्रोडक्शन हाउसेस में आप जाके पर्सनली मिल सकते हैं उनको मिलिए, ऑडिशन के लिए बात कीजिए। मिलना है कैसे, मिलना है ऑडिशन कैसे देना, वो हम आने वाले वीडियोस में डिटेल से आपको बताएंगे। इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे होंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा और जहाँ प्रैक्टिकली जाना पॉसिबल भी नहीं है, कोई बॉम्बे में दूर दूर के एरियाज में है, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, उन सब प्रोडक्शन हाउसेस का एक अलग लिस्ट बनाइए और सब में फ़ोन से कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन कीजिए कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बॉम्बे आया हूँ काम करने के लिए, आपके यहाँ कुछ चल रहा है क्या, कुछ ऑडिशन वगैरह चालू है? अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं हाँ ऑडिशन चालू है और आप अपना एज ग्रुप अपनी कैटेगरी उनको बताते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा ये एज ग्रुप है, मेरा ये लुक है, उनको बताते हैं और वो आपको बोलते हैं नहीं ठीक है आपका एज ग्रुप या आपका लुक हमारे कैरेक्टर्स में या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहा है, आप आके मिलिए, तो आप जाके मिल सकते हो। अगर उनके यहाँ कुछ ऑडिशंस वगैरह नहीं चालू तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है आपके यहाँ, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपके यहाँ पिक्चर्स अपना प्रोफाइल मेल करूँगा। तो सब लोग अपना ईमेल आईडी देते हैं जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो आपको अपना ईमेल आईडी देंगे, तो उस ईमेल आईडी पे आप अपना प्रोफाइल मेल कीजिए। ऐसे ही जब आप मार्केट में भी निकलेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस में जाएंगे, ऑडिशंस के लिए जाएंगे, तो वहाँ भी आपको हर प्रोडक्शन हाउस में उनका ईमेल आईडी मिलेगा। तो सपोज आप जाते हैं ऑडिशन के लिए किसी प्रोडक्शन हाउस में और वहाँ कास्टिंग डिपार्टमेंट से नहीं मिल पाते हैं या ऑडिशन नहीं दे पाते हैं, तो क्या करना है कि उनके रिसेप्शन पे उनका ईमेल एड्रेस लिखा होता है कास्टिंग के लिए, आप वो ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, शाम को घर आके उस ईमेल एड्रेस पे अपने पिक्चर्स और प्रोफाइल देख कीजिए। क्योंकि मिलने के बाद भी जो अपन हम जो प्रोफाइल हम लोग मेल करते हैं उसका वो डेटाबेस में अपना रखते हैं और जब भी उनको कास्टिंग करनी होती है तो उस डेटाबेस में छांट के वो लोग बुलाते हैं।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में, कई हजार प्रोडक्शन हाउस में, तो सब में जा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं जाना। और बहुत से प्रोडक्शन हाउस हैं ऐसे जिन्होंने कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ कुछ फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एक ये एक स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि भाई आपको भी आसानी रहेगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद जो कास्टिंग एजेंसीज हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे आप सिंपली फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके और जाके ऑडिशन दे सकते हैं। किसी भी कास्टिंग एजेंसी में आप फ़ोन कीजिए कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बॉम्बे आया हूँ काम के लिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो वो अपने ऑफिस में बुला सकते हैं ऑडिशन के लिए आपको, या फिर आपको अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं और उसके बाद वो ईमेल आईडी के थ्रू हो सकता है आपको आपके फोटो देख के आपको ऑडिशन के लिए बुलाएं, तो जब आप जाकर ऑडिशन दे दीजिए उनके ऑफिस में। सिंपल प्रोसेस है। इस तरह से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी अच्छे तरह से।